महाराष्ट्र में जो चुनावी जो घमासान मचा हुआ है, जो विधायकों की दल बदल का आशंका जताई जा रही है, हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र से बीजेपी की सांसद हैं और बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हिना कवर जी हैं। मैडम, नंबर गेम क्या कहता है? आपकी तो स्थिति है कि जो स्पष्ट है वही हम देखेंगे, मतलब स्पष्टता आने दीजिए, लेकिन बीजेपी क्या सरकार के बर्खास्तगी की मांग कर रही है या फिर सपोर्ट एकनाथ शिंदे को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है? नहीं, अभी तो देखिए ऐसा है कि उनका जो शिवसेना के बागी विधायक है या शिवसेना के जो नेता है, तो उनका और उनके नेता उद्धव ठाकरे जी का उनका आपस में जो भी कोई चर्चा हो रहा है वो आपके मीडिया के माध्यम से हम लोग सब देख रहे हैं। अभी तक बीजेपी की तरफ से ये सारे प्रोसेस में कोई भी इंटरवेंशन या कोई भी रोल हमारा बीजेपी का अभी तक ये सारे विषय में नहीं है। आप लोग को क्या इस घटनाक्रम को देखते हुए निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि कल भी 2 से 3 केंद्रीय मंत्रियों को महाराष्ट्र कोटे से मुंबई तलब किया गया था, तो क्या निर्देश आप लोग को मिले? नहीं, हमको ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है। मैं तो यहाँ प्रेसिडेंट नॉमिनेशन फॉर्म जो भरा जा रहा है उसमें एज अ प्रपोजर साइन करने के लिए आई थी। हमको ऐसा कोई निर्देश नहीं है और यहाँ से मैं अपने संसदीय क्षेत्र नंदुरबार जाने वाली हूँ। आपके साथ और कितने सांसद अभी जाएंगे महाराष्ट्र की ओर और जाएंगे? अभी आज तो यहाँ मैं ही, मुझे दिखी महाराष्ट्र से, तो मुझे बाकी तो दूसरे स्टेट के ही एमपी थे, लेकिन हर कोई अपने अपने क्षेत्र में है। एक अंतिम सवाल, बीजेपी महाराष्ट्र के अंतरात्मा की आवाज़ इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए क्या लगती है? आज जो स्थिति निर्माण हुई है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण लग रही है कि इस तरह से एक पूरी पार्टी के इतने सारे नेता नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। मतलब उनको ये स्टेप लेने तक जो पीड़ा उनको हुई होगी वो देख के दुख हो रहा है। शिंदे जी के प्रति सहानुभूति? सिर्फ शिंदे जी नहीं, उनके पार्टी के सभी MLAs, मिनिस्टर्स, सीनियर नेता, वो जो सारे एक साथ आके एक ही विषय पे वो बार बार बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये विद इन पार्टी जो भी कोलिजन है या हम कहेंगे शायद ये मुद्दे सही ढंग से नहीं पहुंच पाए या जो भी कुछ प्रॉब्लम है, ये पूरी स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण लग रही है। तो अभी भी स्पष्टता का इंतजार है, हालांकि नंबर जो है, नंबर्स का दावा किया जा रहा है एकनाथ शिंदे कैंप की तरफ से कि नंबर्स हैं इनके पास से, लेकिन स्पष्टता का इंतजार बीजेपी को अब भी है, यह इनकी अभी औपचारिक स्थिति है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज 18 इंडिया।